बनाने के लिए तेल लेंगे, दो प्याज लिया हमने कट करके छोटे छोटे पीस में, और ये है चावल और दाल का बैटर, और ये हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, ये जीरा है हल्का फ्राई कर लिया हमने, ये गाजर है कद्दूकस किया हुआ, ये पुदीना पत्ता, इसमें धनिया पत्ता और करी लिप्स है करी पत्ता, ये सबको बारीक काट लेंगे हम। अब हम ये देखिए पोंगल आलू बनाने के लिए बैटर जो बनता है वो हमने पहले वाली वीडियो में नीचे डाल दिया, अब आप उसे देख सकते हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च थोड़ा और नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा इसमें जीरा डालेंगे, धनिया पत्ता और करी लीव्स इसे भी डालेंगे, और पुदीना पत्ता और प्याज। अब सबको हम अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, देखिए इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर ये आपको ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, थोड़ा इसमें पानी मिला लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, ये देख ये देखिए बैटर तैयार हो चुका है। अब हम वो पोंगल आलू बनाने के लिए ये साचा आपको मार्केट में मिल जाएगा, अब इसे गरम करेंगे। इसमें हम हीट करेंगे, गरम होने के बाद इसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे, अच्छी तरह से इसमें हम ऑयल को लगा लेंगे तेल को। अब ये गरम हो चुका है, अब इसमें हम जो घोल बनाया था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें सांचे में। इस तरह से इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, अब इसे हम ढक देंगे धीमी आंच पे से, 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गया, अब इसे हम ढक्कन हटा के अब इसे देखेंगे, ये हो चुका है। अब इसे हम आराम आराम से इसे हम पलट देंगे, देखिए इस तरह से, अब इसे हम थोड़ा इसमें ऑयल डाल देंगे हल्का हल्का, इसे 1 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 1 मिनट बाद अब इसे हम ढककर से हटा कर देखेंगे, ये देखिए अब इसे हम
इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए पोंगनल्लू बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। पोंगनल्लू को हम ये सांबर और चटनी के साथ इसे हम खा सकते हैं। आइए देखिए सांबर का रेसिपी हमने नीचे लिंक में डाल चुका है, डाल दिया है हमने, आप इसे भी देख सकते हैं। और चटनी का भी रेसिपी हमने लिंक में डाला हुआ है, अब आप इसे खा सकते हैं।